यहाँ पे तो टेररिस्टों की फायरिंग से वो आदमी मारे गए हमारे यहाँ फौज मारती है हमारे यहाँ तो मास ग्रेव्स मिलती हैं बलूचिस्तान में सिंध में केपी केप, वजीरस्तान वगैरह में कह रहे हैं कि इस बूढ़े आदमी को पुलिस ने गाड़ी में से निकाल के फायरिंग करके मारा है अगर ऐसा है तो फिर वो फौजियों को ऊपर फायरिंग की जो वीडियो चल रही है कि तो बच्चा बैठा हुआ और फौजियों के ऊपर फायरिंग हो रही है वो फायरिंग कौन कर रहा है फिर कोई वजह भी तो होगी ना कोई चीज तो होगी ना इंडियन सेक्युलरिज्म का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग तो खुदारा इस मुल्क भारत को बनाना रिपब्लिक बनने से बचाए सोपोर में जो हुआ आ, बड़ा दर्दनाक वाकया पूरी दुनिया हिल गई है एक बच्चा अपने नाना की डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है और मसला यह है कि इस पे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी नैरेटिव को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है जिसकी वजह से इसमें काफी शुक शक डाला डाला गया है मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें इस हवाले से कहना चाहूँगा कि एक आम नज़र से मैंने इस पूरे वाक्य को देखा है तो पहली बात तो ये है कि हमारे लिए ये नया वाक्य नहीं है हमारे लिए ये आम चीज़ें हैं लेकिन हमारे यहाँ फ़र्क यह है कि यहाँ पे तो टेररिस्टों की फायरिंग से वो आदमी मारे गए हमारे यहाँ फौज मारती है आए दिन आपको ऐसी लाशें मिलेंगी एक साहब है बलोच जिन्होंने एक ऐसी ही डेड बॉडी की तस्वीर लगाई थी पिछले हफ्ते किसी की नजर से भी नहीं गुजरी किसी ने उस पर कॉमेंट तक नहीं किया हमारे यहां तो मास ग्रेव्स मिलती हैं बलोचिस्तान में सिंध में के वजीरस्तान वगैरह में हमारे यहां तो ये यह आम चीज है हमारे यहां तो जितना इस आर्मी ने मारा है किसी ने दुनिया में तारीख में अपने बंदों को नहीं मारा होगा मैं इस पर्टिकुलर वाक्य के तरफ आऊँगा जो कि सिमिलर एक वाक्य हुआ था पाकिस्तान में लेकिन उसको सिमिलर नहीं कह सकते खाली पाकिस्तानी नैरेटिव जो है इस वाक्य का उस पर इसको सिमिलरिटी ड्रा कर सकते हैं कि इमरान खान के वज़ी अजम बनने के फ़ौर बाद एक फैमिली है शाहिवाल के करीब हाईवे पे जा रही थी किसी शादी में बच्चे थे औरतें थीं आदमी थे पुलिस ने उस गाड़ी में बाकायदा उसको रोका पहले फायरिंग करके फिर बच्चों को नीचे उतार के साइड पे ले गए और फिर उन पूरी फैमिली को मार दिया और यह मैं कोई डरेटिव नहीं बना रहा ये हकीकतन यही हुआ है बाद में इतने इसमें वो किए गए लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हाईवे पे था और दोनों तरफ की ट्रैफिक रोक दी गई थी तो ट्रैफिक में से लोगों ने वीडियोस बनाई थी जो वायरल हुई हैं आपको गूगल पे मिल जाएंगी हमें यूट्यूब ये सब लगाने नहीं देता आजकल यूट्यूब ने भी एक नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वालों के चैनल ही डिलीट कर रहा है कई ऐसी चीज़ें आई हैं सामने तो हम हर चीज़ लगा नहीं सकते लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं वायरल है वो वीडियोज़ लोगों ने गाड़ियों में अपनी बैठ कर वो वीडियो बनाई थी किस तरह पूरा वाक्य मौजूद है ये पाकिस्तान में तो आम होता रहता है और उसके बाद इमरान खान पे जब प्रेशर बढ़ा के यार क्या हो रहा है वो तो आखिर में उसने कंडोलेंस के लिए आप जाते हैं ना किसी के घर कंडोलेंस के लिए इसने कंडोलेंस के लिए उस फैमिली के बाकी जो रिश्तेदार थे और बच्चे बचे हुए थे जो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलवाया इन ए सेंस वो आना नहीं चाह रहे थे जबरदस्ती गन पॉइंट पर पुलिस के जरिए लाया गया कंडोलेंस के लिए और वादा किया था कि हम इंसाफ देंगे कोई कुछ नहीं हुआ ये बनाना रिपब्लिक में जो आम चीजें हो रही हैं इन लोगों को तो हक ही नहीं है पाकिस्तानियों को ऐसी किसी बात पर तज्जिया भी करें या वो करें बजाय इसके कि मगरमच के, मगर के आंसू ये बहा रहे हैं इमरान खान और ये ड्रामे कर रहे हैं ये इनके भेजे हुए टेररिस्टों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं मैं सिर्फ एक बुनियादी सवाल करता हूं कि ये जो राजदीप और ये जो इंडियन जर्नलिस्ट कुछ पाकिस्तानी नैरेटिव को बहुत स्ट्रॉन्गली आगे कर रहे हैं मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इस बूढ़े आदमी को पुलिस ने गाड़ी में से निकाल के फायरिंग करके मारा है अगर ऐसा है तो फिर वो फौजियों के ऊपर फायरिंग की जो वीडियो चल रही है कि बच्चा बैठा हुआ और फौजियों के ऊपर फायरिंग हो रही है वो फायरिंग कौन कर रहा है फिर अगर ये आम सा कैसे एक आदमी गाड़ी में जा रहा था उसको गाड़ी में से निकाल के फायरिंग करके मार दिया पुलिस ने तो सवाल यह होता है ना कि फिर वो टेररिस्ट कहां से आ गए जो फायरिंग कर रहे हैं पुलिस फौज के ऊपर है ना बुनियादी सवाल है इट मींस देर इज समथिंग फिशी इट मीन्स कि उस फौजी कन्वोय पर हमला हो रहा था या वॉट एवर इट इज इंडियन आर्मी का नेरेटिव आ चुका है जो कि आम आदमी अगर बायस के बगैर तासुब के बगैर इसको देखे तो नजर भी आता है कि सही है क्योंकि पूरा एरिया खुला डे टाइम था एक आदमी दूध लेने जा रहा है अपने घर से तो ऑफकोर्स पब्लिक आम जा रही थी आ रही थी कहीं कोई सबूत नहीं एक तीन साल के बच्चे को उस दिन तो वो बच्चा नहीं कह रहा था कुछ अब घर में जाकर 24 घंटे में पट्टी पढ़ाई गई है तो भाई वो राजदीप के जो जिहादी जर्नलिस्ट है ना कश्मीर में जिसको ये कह रहा है राजदीप ये कह रहा है कि मैं आई आई वुड लाइक टू बिलीव माई आर्मी बट माई रिपोर्टर इन कश्मीर सेज समिंग एल्स यानी कितना क्लियरली वो कह रहा है कि मुझे आर्मी आई वॉन्ट टू बिलीव आर्मी बट आई डोंट बिलीव बिकॉज ए सर्टन कश्मीरी मुस्लिम जर्नलिस्ट जिसके आप पूरे रिकॉर्ड उठाकर देख ले उसकी रिपोर्टिंग टोटल सपोर्टिंग टेररिस्ट टोटल सपोर्टिंग पाकिस्तान नेरेटिव राजदीप जैसे लोगों को लिया उसका दिया हुआ रिपोर्ट करेक्ट है इंडियन आर्मी इज नॉट करेक्ट यार ये या आदमी अगर इन पाकिस्तान या चाइना में होता ना तो अब तक कब का गायब हो चुका होता और ऐसा इंसान का बच्चा बनकर निकलता कंसंट्रेशन कैंप से जैसे पाकिस्तान ने बनाए हैं पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े जर्नलिस्टों को पाकिस्तान ने सीधा कर दिया है वो टोटल आर्मी के नैरेटिव को लेकर चल रहे बड़े नामचिन्ह थे चुप होकर बैठ गए या तो फिर लेकिन ये इंडिया है जहां पे ये सब चीजें चलती हैं और वहां पे जिसकी जो मर्जी आती है अपनी भांत भाध के वो चला रहे हैं इंडियन सेक्युलरिज्म का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग मैं यहां पे ये सवाल करना चाहूंगा एक और कि ये जो इमरान खान की आप ट्वीट उठा के देख लें इस वाक्य पे सबा की उठा के देख लें राणा के के देख लें राजदीप की उठा के देख लें सेम क्यों होती है हमेशा किसी भी इंडिया में वाक्य के ऊपर जो इमरान खान का जो आईएसआई का जो आईएसपीआर का नैरेटिव होता है वही नैरेटिव इन लोगों का क्यों होता है मतलब यह है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको अवार्ड मिलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के कॉपी पेस्ट करते हैं पूरे नैरेटिव को ये सभा साहिबा कहती हैं वी आर सॉरी कश्मीर वी फेल्ड यू राणा साहिबा कहती हैं वी आर सॉरी कश्मीर वी फेल्ड यू मैं उनसे ये पूछता हूं कि 1989 से अब तक कश्मीर में टेररिस्टों ने टेररिस्ट भी नहीं वो पाकिस्तान के टेररिस्ट बाकायदा ट्रेंड टेररिस्टों के खिलाफ इन्होंने आज तक एक दिया है क्यों ये कह रही है वी फेल्ड यू कश्मीर जरा जवाब देना कि इनका क्लियर बता दें कि आज इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कश्मीर के ऊपर इनका मोकफ क्या है क्या स्टैंड लेती हैं डू दे सपोर्ट इंडिपेंडेंट कश्मीर डू दे सपोर्ट दिस टेररिज्म आर्म स्ट्रगल डोंट दे थिंक दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया इनको अगर यह है इबाम एम्बिगिटी कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं और इंडिया ने नाजायज कब्जा किया है तो आए ना खुल के बयान देना यह टस्वे बहाना ये मगरमच्छ के आंसू बहाना दिस इज नॉट द सोल्यूशन और इंडियन सरकार को देखना होगा कि यह सारी चीजें हो रही है इनकी नाक के नीचे मजे से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे माल बनाया जा रहा है इस पे सारा टोटल आप देख लें कि ये मरी हुई पड़ी होंगी जहां इंडिया में कोई वाक्य होगा निकल आती है। कोने कोने से निकल के आके फुदक फुदक के इनका और कोई काम नहीं है इनकी टोटल जर्नलिज्म आप देख लें कीड़े निकालना इंडिया के ऊपर टोटली गलत किस्म के मैं नहीं कह रहा कि आप तनकीद ना करें मैं भी तो अपने मुल्क के खिलाफ चीजें लेके आता हूं ना लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं तो आपके सामने हकायक रखता हूं मेरे किसी एक सवाल का यह जवाब दे दें इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट काबिल फाजिल अवॉर्ड याफ्ता जवाब दे दें कि इनका नैरेटिव हमेशा पाकिस्तान के नैरेटिव से करीब क्यों होता है आपको ये भी चीज जह, जहन में रखना होगा कि ये जर्नलिस्टों ने इंडिया में पिछले अगर आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पास होने से लेके अब तक या आप जुलाई लास्ट ईयर से लेके ये जुलाई देख लें जब एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था इस पूरे एक साल के पीरियड में कितना बढ़ गया है ख़ासतौर पर यह पिछले छः महीने में जब से कश्मीर पे से पाबंदियाँ कम की गई और लिबर्टी दी गई और इंटरनेट रिस्टोर किया गया है यही लोग थे ना जो रो पीट रहे थे 24 घंटे इमरान खान के साथ मिलकर कोरस में गा रहे थे कि कश्मीर में इंटरनेट लाओ कश्मीर में फ्रीडम लाओ कश्मीर के महान नेता मुफ्ती महबूब और ये महबूबा मुफ्ती और ये अपने राजदीप वगैरह को आ, वो क्या नाम है इसका फारूक अब्दुल्ला वगैरह को आजाद करो ये वो कर लिया कश्मीर में रोज की बुनियाद पर आपको मिलेगा कि फला पुलिस मुकाबला हुआ वहां पे फायरिंग हुई वहां पे यह हुआ इतने टेररिस्ट मार दिए इतने चीजें हुई हो रही है ना रोज की बुनियाद पे इसको कभी कंडेम किया इनमें से किसी एक जर्नलिस्ट ने कभी एक जर्नलिस्ट ने कहा हो कहा टेररिस्टों ने हमला कर दिया गलत किया या पाकिस्तान को कंडेम किया जिसके बारे में टोटल प्रूफ मौजूद है कि इसके पीछे पाकिस्तान ने प्रूफ की जरूरत आपको उस वक्त है जब इनका इनका मना कर रहे हो ये तो मान रहे हैं इमरान खान डोंकी किंग समेत हर आदमी मान रहा है पाकिस्तानी हां हम कश्मीर में सब कुछ करवा रहे हैं इन लोगों ने कभी कश्मीर में होने वाले टेररिज्म को कंडेम किया है कभी आपको नहीं मिलेगा लेकिन लेकर भारतीय फौज ने जुल्म कर दिया फला कर दिया ढुमका कर दिया सोपुर का वाकया टोटली टेररिस्टों का एक अटैक था भई उस आदमी का रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि वो उसका जो मारा गया है वो आदमी जिसका पोत नवासा उधर बैठा था उस आदमी का या तो कोई रिकॉर्ड हो कि वो कोई क्रिमिनल हो या कोई टेररिस्टों से उसके संबंध हो कोई ऐसी चीज हो जिसकी बुनियाद पे फौज ने उसको मारा हो गाड़ी से निकाल के कोई वजह भी तो होगी ना कोई चीज तो होगी ना कुछ भी नहीं साहिबवाल वाक्य पे आपको सारी पूरी रिपोर्ट जिसको इंटरेस्ट है जाए साहिबवाल वाक्य को गूगल करके आप पूरा स्टडी करें आपको मिलेगा कि वर्दी वाले उसमें शामिल थे और अदालतों से फैसले भी हो गए सब कुछ हो गया तो खुदारा इस मुल्क भारत को बनाना रिपब्लिक बनने से बचाए क्योंकि आपके ये जर्नलिस्ट आपके कांग्रेस की लीडरशिप में एक ऐसी मूवमेंट चला बैठे हैं छह आठ महीने से इसको रोकना जरूरी है ये टोटल इंडिया को बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं ये बीजेपी को कंडेम करने में 24 घंटे तस्बी पढ़ते रहते हैं बीजेपी 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 चाइना को कंडेम कभी नहीं किया इन्होंने या मुझे बता दे कोई कि इन्होंने किसी वाके, वाके, मौके पर चाइना को कंडेम किया हो या पाकिस्तान को किया हो नहीं करेंगे तो ये आप लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि क्या वाकया हुआ था और जिन लोगों को कुछ लोग जो कि पसंद नहीं करते इस सरकार की पॉलिसीज़ को और वो जानते हैं कि असल में वाक्य यही हुआ था कि टेररिस्टों ने हमला किया था और ये आदमी मारा गया था वो भी बंद लफ्जों में खुल के नहीं कह रहे कि आने नहीं इंडियन आर्मी का स्टैंड करेक्ट है लेकिन वो बंद लफ्जों में ताकि ये फैलाएं एक चीज पाकिस्तान में बार बार कहता रहा हूं वापस कह रहा हूं कि इंडिया को अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लानी होगी जब तक तिब्बत और बलूचिस्तान को आप आजाद रियासत का दर्जा देकर अपने हिंदुस्तान में जगह नहीं देंगे मसले का हल नहीं होगा नवाबजादा हरबियार मरीन ने दो ट्वीट की हैं उस पर गौर करने की जरूरत है वो कह रहे हैं जिना हाउस मुंबई को बलोचिस्तान हाउस डिक्लेयर करके उसमें बलोचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल की इजाजत दें वो कह रहे हैं जिन्ना हाउस में इंडिया तोड़ने की बंटवारे की पाकिस्तान बनाने की साजिश रची गई थी उसको अब हमारे हवाले करें ताकि हम बलोचिस्तान वाले अपने मकबूजा इलाके आजाद कराएं। फिर दूसरी ट्वीट पे वो कहते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इंडिया में दिल्ली में या कहीं भी एक सड़क का नाम ही बलोचिस्तान रोड या ऐसा कुछ रख दे ताकि कुछ तो सिग्निफिकेंस मिले कुछ तो हमें सपोर्ट करें हमारी एक जेन्यून स्ट्रगल है और इस हवाले से मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मेजर गौरव आर्या के स्टैंड को एंडोर्स करूंगा बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट भारत भारतीय सरकार को एक पॉलिसी का सुझाव दिया है कि रिकॉग्नाइज दिब एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इट वॉज 1949 में चाइना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो यूनाइटेड नेशंस ने चाइना वीटो पावर होल्डर की मेंबरशिप सस्पेंड की थी जो सेवेंटीज में आकर रिस्टोर हुई है आपने कैसे उस तिब्बत पे चाइना के ऑक्यूपेशन को कबूल कर लिया तिब्बत को और बलोचिस्तान को आजाद कराए बगैर इस रीजन में इंडिया पीस नहीं ला सकता प्रोस्पेरिटी नहीं ला सकता तो यही मैंने एक मैसेज था मेरा आज के लिए थैंक यू वेरी मच